ओके लीडर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इवनिंग सेशन में। मायसेल्फ अभिषेक सुमन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। लीडर्स, जो भी अभी तक आपके प्रोस्पेक्ट कनेक्ट नहीं हुए हैं उनको कनेक्ट करवा लीजिए, क्योंकि आज का जो वेबिनार है विजय प्रकाश सर लेने जा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, तो चीजों को ज्यादा हम लोग क्लोज से समझेंगे, बिजनेस प्लान को हम लोग अच्छी तरह समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी प्रोस्पेक्ट हैं अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं उनको एक बार फोन कॉल कर लीजिए, ताकि वो वेबिनार में अटेंड करें। चलिए मैं आपको बताऊं, इस आज जितने भी हमारे पैनल पे लीडर्स आए हुए हैं, आज से करीब करीब 3 साल पहले मुझे भी इसी तरह किसी लीडर ने लिंक दिया था, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया था। और ये कहानी उस समय की है जब लॉकडाउन ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला था। एंड आपको बिलीव नहीं होगा, जब मुझे ये लिंक मिला तो मैंने देख के इग्नोर कर दिया। मेरे को फोन आया और बोला गया कि अभिषेक एक मीटिंग है, आप अटेंड करो, ऑनलाइन है, जूम पे मीटिंग अटेंड करना है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। एंड जब मैं सेलिंग पे गया, सिप पे गया, तो मेरे कैप्टन, जिस पोस्ट पे मैं पहुंचना चाहता था, मेरा ड्रीम था कि भाई एक ना एक दिन हम उस पोजिशन पे पहुंचे, उस पोस्ट पे पहुंचे, और वो मेरे कैप्टन इस बिजनेस को कर रहे थे। तो कहते हैं ना कि जब कोई भी अपॉर्चुनिटी, कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो मेरे दोस्त ने मेरे को बताया तो मैंने इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। लेकिन वही चीज जब मैं कैप्टन को करते देखा, तब मुझे लगा रे कुछ तो बड़ी बात होगी इस बिजनेस में। तब तो 3-3.5 लाख 4 लाख रुपए कमाने वाले लोग आज इस बिजनेस को कर रहे हैं। उस समय अपना फोर्सेज का जो इथेरियम प्रोजेक्ट, ट्रोन प्रोजेक्ट था, उस समय की बात है। तब मैं घर आया, एंड घर आया तो फिर मैंने उस फ्रेंड से बात किया कि यार तुमने मेरे को 1.5 साल पहले कुछ एक लिंक दिया था, एक मीटिंग अटेंड करने, याद है? बोला हाँ हाँ, बताओ बताओ क्या हुआ। तो मैंने बोला क्या कि मैं वो बिजनेस के बारे में डिटेल से जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने, और मैंने उनसे एक चीज और पूछा कि भाई आपका चल रहा है, काम कर रहे हो? तो उन्होंने हंसने लगा, हंसते हंसते मेरे को अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाया, एंड मेरा दिमाग उड़ गया, आई वॉज ब्लोन अप, क्योंकि उस बंदे ने 1.5 करोड़ रुपए कमा लिए थे पिछले 1.5 साल में। तब मुझे आश्चर्य लगा कि यार मैंने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, एंड तब जाके मैं पूरा मीटिंग को अटेंड किया और सीखा। तो दोस्तों, आपको ये रिग्रेट ना हो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको इस जूम वेबिनार का लिंक दिए, दे आर रियली हेल्पफुल, और वो आपके लिए भला चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं, तभी आपको ये लिंक दिए हैं। नहीं तो आज ऐसा समाज है, आज ऐसा हमारा अगल बगल के लोग हो गए हैं कि हम पैसा जब कमाते हैं, हम इनकम करते हैं, हम ग्रो करते हैं, तो हमसे वो जलना शुरू कर देते हैं। दे डोंट वांट आवर ग्रोथ, हमारे ग्रोथ को देख के, हमारा डेवलपमेंट को देख के उनको जलन होती है। लेकिन इस तंगी भरी दुनिया में अगर कोई फिर भी आपको एक ऐसे वेबिनार का लिंक दे रहा है जो वाकई में आपकी जिंदगी बदल सकती है, दैट मीन्स कि वो आपके लिए सचमुच कुछ भला सोचता है, मेरे दोस्त। तो इस बात पे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लीडर्स आज फर्स्ट डे हमारे सेशन में आए, एक बार व्हाट्सएप अपना खोलिए और पहले उन लीडर को थैंक यू बोल दीजिए। क्योंकि कमाई तो सब लोग अपने अपने नसीब से करता है, जिसके किस्मत में जितना होगा उतना कमाएगा, और जो जितना मेहनत करेगा उतना कमाएगा। लेकिन एक बहुत बड़े लीडर का कहना है कि पैसा वही कमाता है जो सही समय पे सही लोगों के साथ, सही समय पे सही लोगों के साथ सही जगह पे खड़ा होता है, मेरे दोस्त। और ये जो प्लेटफॉर्म है, आप सही जगह पे भी हो और समय भी सही है, और ऑफ कोर्स आपको लिंक दिए हैं जो लोग ने, तो लोग भी सही हैं। तो लीडर्स, इसी होप के साथ एक बार उनको थैंक यू कर दीजिए, और इसके बाद मैं इस सेशन को आगे कंटिन्यू करूंगा। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर विजय प्रकाश सर। सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आइए सर, और सेशन को आगे कंटिन्यू कीजिए सर। चलिए, सो थैंक यू सर। गुड इवनिंग लीडर्स, माय नेम विजय प्रकाश और बेगूसराय बिहार से हूँ। मुझे बताएं कि क्या अभिषेक सर मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल सर, आपकी हाँ वॉइस क्लियर है, एक बार चेक कर लीजिए, वाईफाई से कनेक्ट है ना, आप ये चेक कर लीजिए एक बार। बिल्कुल सर, वाईफाई मेरा कनेक्ट है, और जस्ट मिनट सर। चलिए, गुड इवनिंग लीडर्स, माय नेम विजय प्रकाश, बेगूसराय बिहार से हूँ। मुझे बताएंगे क्या सर मेरी वॉइस और वीडियो प्रॉपर वे में आ रही है ना अब तक?
बिल्कुल सर, एवरीथिंग इज प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए, सो थैंक यू। आज सेटअप थोड़ा नया है पहले से, जो पहले जो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे करते थे उससे थोड़ा डिफरेंट है, हो सकता है कुछ दिक्कतें हो। चलिए फिर भी साथियों, आज हम लोग जिस प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस सिस्टम का नाम है फोरसार्ज। फोरसार्ज एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा बिजनेस जहां पर लोगों ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम किए हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। क्यों मैं ऐसा बहुत बात बोलता हूँ, क्योंकि भाई मैं सीधा बता दूं, यहाँ पर बातें नहीं की जाती है, यहाँ पर दिखाया जाता है। बात आएगा क्या दिखाया जाता है, तो सर यहाँ पे स्टेटमेंट दिखाया जाता है। किस चीज का स्टेटमेंट? बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आईडी स्टेटमेंट दिखाया जाता है कि आपने इस फोरसार्ज को कब शुरुआत किया, आपने कितना टाइम लगाया और आपने एनर्जी कितनी लगाई, और आपने इसके दुनिया के किसी भी नेटवर्क बिजनेस के अंदर, किसी भी बिजनेस प्लान के अंदर ये चीज नहीं दिखाई जाती। कोई बंदा एक महीना पहले या दो महीना पहले या तीन महीना पहले ज्वाइन हुआ, उसने कितना पैसा लगाया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना इनकम किया, ये सारी चीजें नहीं दिखाई जाती। लेकिन फोरसार्ज के अंदर झूठ बोलने का एक रास्ता भी नहीं है। कारण क्या? क्योंकि फोरसार्ज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा बिजनेस है लीडर, क्योंकि फोरसार्ज करने का जो मेन कारण है, मेन उद्देश्य है, वो क्या? फोरसार्ज करने का मेन कारण, मेन उद्देश्य जो है, नंबर वन पहचाना हक देता है। 100% मालिक का हक मिलता है आपको। आप बात करेंगे फोरसार्ज के अंदर 100% बिजनेस का इनकम आपको मिलता है। फोरसार्ज के अंदर 100% बिजनेस का 100% इनकम मिलता है। कितने समय में? तो जवाब आएगा सर, 1 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे जो भी इनकम आता है, जो भी पे आउट आता है, आपको 1 मिनट के अंदर आता है 100% का 100% सारा का सारा। फोरसार्ज के अंदर अगर मैं विशेषता बात करूं फोरसार्ज की, कि दुनिया का ऐसा इकलौता सिस्टम जहां पर आपका अपलाइन काम करे, आपका डाउनलाइन काम करे, आप किसी की आईडी लगा रहे हो, सेल्फ में किसी की आईडी लगा रहे हो, या आपका अपलाइन डाउनलाइन सेल्फ और आपका क्रॉसलाइन अगर किसी की आईडी लगा रहा, मतलब जो आपसे ऊपर है, ऊपर का अपलाइन, आपका डाउनलाइन, आप किसी की आईडी लगा रहे हो या आपका क्रॉसलाइन किसी की आईडी लगा रहा है, तो 90% पे होगा। यही नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम 100% का 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है लीडर्स। मैचिंग नहीं करना होगा, कोई बीवी मैचिंग नहीं करना होगा, कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट ना कुछ खरीदना है ना कुछ बेचना। मेरा सीधा कहने का मतलब है, दुनिया का ऐसा इकलौता सिस्टम जहां पर मालिकाना हक आपको मिलता है। अब जाहिर सी बात है, जहां पर 100% बिजनेस का इनकम मिले, 100% मालिक का हक मिले, मालिकाना हक मिले, और अपलाइन के काम करने से भी इनकम आए, डाउनलाइन के भी काम करने से इनकम आए, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका जो बिजनेस प्लान जो डिजाइन किया गया, सिर्फ और सिर्फ हमारे और हमारे लोगों के लिए डिजाइन किया, जहां पर सिर्फ हमारे और हमारे लोग पैसा कमाए, ना कि कोई कंपनी का एमडी सीएमडी, ना कि कोई चेयरमैन, ना कि कोई टॉप का लीडर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया भर के बिजनेस प्लान के अंदर क्या होता है कि आपने 1000 रुपए का बिजनेस दिया, 200 रुपए आपको कमीशन आता है, आपने 1 लाख रुपए का बिजनेस दिया, 20,000 आपको कमीशन आता है। लेकिन फोरसार्ज के अंदर मैं आपको ये बात साबित करूंगा कि आप यहाँ पर 10,000 रुपए का बिजनेस देते हो, 14,000 रुपए आपको इनकम आता है। वर्डिंग सुनिएगा, मैं बोल क्या रहा हूं, आप 1 लाख रुपए का बिजनेस देते हो, आपको 1.25 लाख का कमीशन आता है। क्यों? क्योंकि भैया अपलाइन के काम करने का भी तो इनकम आएगा, ये कहां से भूल गए? क्रॉसलाइन के काम करने का भी इनकम आएगा, ये कहां से भूल गए? ये चीजें भी आपको मिलता है। यही कारण है लीडर कि यहां पर मैंने ये वर्ड बोला आपको कि यहां पर लोगों का स्टेटमेंट दिखाया जाता है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाया जाता है, आईडी स्टेटमेंट दिखाया जाता है, कब किसने कब शुरुआत किया, कब कितना कमाया, सब कुछ लाई। लेकिन सवाल आएगा कि सर इस 4 साल बिजनेस को करने के लिए हमको करना क्या होगा, इसका बिजनेस प्लान क्या है, कैसे इनकम आएगा? तो सीधा सा फंडा है, फंडा मैं बार बार बोलता रहता हूं कि मुझे आप एक बात बताइए, सीधा सा फंडा है, कि फोरसार्ज के अंदर अगर हमें एंट्री करनी है या फोरसार्ज के अंदर हमें ज्वाइन करना है तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए
गारंटी और सिक्योरिटी। गारंटी और सिक्योरिटी कौन देता है? कोई इंसान या कोई संस्था या कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकता। कोई गवर्नमेंट ये लिख के नहीं दे सकता कि ये वाला बैंक 1000 साल चलेगा, ऐसा कभी नहीं दे सकता। कब कौन सा बैंक लैप्स में चला जाए, कब किसको फायदा हो जाए, कब किसको नुकसान होता है, फ्यूचर कोई किसी का नहीं बता सकता। एक बात मैं आपको बता देता हूं, सेम उसी प्रकार फोर्साज का, कोई फोर्साज का जो सिस्टम है उसका फ्यूचर क्या, उसका फ्यूचर क्या, फोर्साज का सिस्टम है उसका फ्यूचर कौन बताता है? तो उसका फ्यूचर बताता है आपका ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पर कंट्रोल किसी गवर्नमेंट का नहीं, जिसपे कंट्रोल किसी इंसान का नहीं, किसी संस्था का नहीं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कंट्रोल किसका है, कौन चलाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को? तो सीधा सा जवाब आएगा सर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जो चलाता है वो चलाता है इंटरनेट की एनर्जी। जहां इंटरनेट है वहां ब्लॉकचेन की ट्रांजेक्शन, वहां ब्लॉकचेन का काम किया जा सकता है। जहां पर इंटरनेट की एनर्जी नहीं है वहां ब्लॉकचेन का काम नहीं हो सकता। दैट्स ऑल, जो कहना क्लियर। अब ब्लॉकचेन के अंदर कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, कई सारे ऐसे अदारे हैं, यहां तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैं बता रहा हूं, दुबई की बता रहा हूं, इंग्लैंड की बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया की बता रहा हूं, अमेरिका की बता रहा हूं, कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट, जल सिंचाई विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, बैंकिंग डिपार्टमेंट, जितने भी आपको संस्थाएं लिखते हैं, चाहे वो प्राइवेट के रूप में हो चाहे वो सरकारी के रूप में हो, सारे के सारे डिपार्टमेंट हौली हौली ब्लॉकचेन के अंदर काम करना शुरू कर रहे हैं। आपका व्हाट्सएप, जब आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, तो वहां पर मेटावर्स नाम आता है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप आपका ब्लॉकचेन के अंदर काम करता है, फेसबुक आपका ब्लॉकचेन के अंदर काम करता है। सेम उसी प्रकार लीडर दुनिया का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट फोर्साज.io जो कि पहली बार 31 जनवरी 2020 को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर अपना प्लान डिजाइन करता है और वर्किंग करना शुरू करता है। लेकिन हम लोग जिस प्लान पे काम कर रहे हैं, हम लोग जिस बिजनेस पे काम कर रहे हैं, वो कौन सा बिजनेस है? वो है आपका फोर्साज बी यू एस डी। फोर्साज बी यू एस डी मतलब बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट ऑफ डॉलर। फोर्साज जो काम करता है बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट ऑफ डॉलर इज इक्वल टू $1 के बराबर होगा। $1 बराबर 88 रुपए के बीच में आपका एक बीयूएसडी होता है लीडर्स, एक बीयूएसडी 88 रुपए के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं बीयूएसडी $1 बराबर 88 रुपए का होता है, तो हमारा जो फोर्साज बीयूएसडी डॉलर प्रोजेक्ट है वो कब और किस समय मार्केट में काम करना शुरू किया? तो जवाब आएगा सर 31 मई 2021। अगर मैं ओनली डॉलर प्रोजेक्ट की बात करूं, ओनली डॉलर प्रोजेक्ट की बात करूं, तो पिछले 1.5 साल के दौरान 11 लाख लोगों ने हमारे इस बीयूएसडी डॉलर प्रोजेक्ट को ज्वाइन, हमारे इस बीयूएसडी डॉलर प्रोजेक्ट को 11 लाख लोगों ने ज्वाइन किया पिछले 1.5 साल के दौरान। अब सवाल आता है सर कि फोर्साज के अंदर अपनी नई चीज बताई है डॉलर, डॉलर से ही आपको कमीशन मिलेगा, डॉलर से ही आपकी आईडी लगेगी। लेकिन आईडी लगाने के लिए आपको किसी सर्वर या वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं। आपको अगर आईडी लगानी है फोर्साज के अंदर तो आपके पास क्या चाहिए? आपके पास चाहिए ब्लॉकचेन का वॉलेट। सुनिएगा लीडर, आपको क्या चाहिए फोर्साज के अंदर आईडी लगाने के लिए? आपको चाहिए ब्लॉकचेन का वॉलेट, जैसे कि आपका ट्रस्ट वॉलेट, TRUST ट्रस्ट वॉलेट, ये आपका ब्लॉकचेन का वॉलेट है। टोकन पॉकेट, ये आपका ब्लॉकचेन का वॉलेट है। टोकन पॉकेट, मेटामास, ये आपका ब्लॉकचेन का वॉलेट है। मेटामास, क्लेवर, ये आपका ब्लॉकचेन का वॉलेट है। ट्रोन लिंक प्रो, ये भी आपका ब्लॉकचेन का वॉलेट है। ट्रोन लिंक प्रो, ये सब अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से जाकर डाउनलोड करें। जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट, अगर आप एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं तो ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपके पास आईफोन है तो आप टोकन पॉकेट या क्लेवर को डाउनलोड कर लीजिए, अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आप मेटामास को डाउनलोड कर लीजिए। सीधा सा फंडा है, कोई लंबी चौड़ी बात है। लेकिन हाँ, ध्यान क्या रखना है भाव साहब, ध्यान ये रखना है कि ये जो ट्रस्ट वॉलेट है, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे ना तो यहां पर आपको 12 वर्ड का शब्द दिखाई देगा, 12 वर्ड दिखाई देगा। इस वर्ड को बस आपको संभाल के रखना है। ये 12 वर्ड इंग्लिश के 12 वर्ड होंगे, अंग्रेजी के 12 वर्ड होंगे, इसको अलग अलग तरीके से फिगर में होगा, इसको संभाल के रखना है, नोट करके रखना है।
आपका फोन टूट जाए, चोरी हो जाए, अगर आपने ये 12 वर्ड संभाल के नहीं रखा है तो आपके ट्रस्ट वॉलेट में जितना डॉलर है, जो आईडी पे आपको कमीशन आ रहा है, सारा का सारा ट्रस्ट वॉलेट से रिकवरी कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये 12 वर्ड संभाल के रखिएगा, क्योंकि 4 साल का जो बिजनेस है, जो आपकी 4 साल का जो आईडी नंबर होगा, आपकी इसी ट्रस्ट वॉलेट के साथ लिंक रहता है, इसी के अंदर आपको पे आउट आएगा, इसी के अंदर पे आउट जाएगा, इसी से आप लेन देन करिएगा ट्रांजेक्शन के माध्यम से। ठीक है, तो लीडर ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, 4 साल के अंदर आईडी लगाने के लिए क्या चाहिए, 4 साल क्यों ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ तक चीजें आपको मैंने की है। लेकिन अब सवाल आता है कि सर डॉलर तो आपने बोल दिया, लेकिन ये डॉलर हमारे यहाँ तो रुपया चलता है, तो डॉलर हम लाएंगे कहाँ? सीधा सा बंदा है भाई, अगर डॉलर आपको लाना है, बीयूएसडी लाना है, बीयूएसडी आपको क्या चाहिए, बीयूएसडी इक्वल टू $1, और आपको ट्रांजेक्शन चार्ज के लिए क्या चाहिए, बीएनबी चाहिए। बीएनबी कितना चाहिए, मिनिमम $5 का आपके पास बीएनबी होना चाहिए। अब हमें चाहिए क्या, एक्सचेंजर, एक्सचेंजर चाहिए। अगर हमको डॉलर खरीदना है या बीएनबी लेना है तो हमें एक्सचेंजर हमें चाहिए। एक्सचेंजर का मतलब क्या हुआ लीडर, एक्सचेंजर का मतलब हुआ जैसे कि आपका वजीरेक्स, वजीरेक्स क्वाइल स्विच कुबेर, क्वाइल स्विच कुबेर, क्वाइल डीसीएक्स, क्वाइल डीसीएक्स, जेम्पे, जेम्पे, ये सारे के सारे बाइनेंस, ये सारे के सारे एक्सचेंजर। अब इनमें से कोई भी एक एक्सचेंजर आप डाउनलोड करिए, चाहे आपका वजीरेक्स है, चाहे क्वाइल स्विच कुबेर है, चाहे वो क्वाइल डीसीएक्स है, चाहे वो जेम्पे है, चाहे वो बाइनेंस है, किसी भी एक एक्सचेंजर को डाउनलोड करिए। और डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर आप डालिएगा क्या, अपना क्या, मान लीजिए आपने बाइनेंस को डाउनलोड किया, आपने बाइनेंस को डाउनलोड किया, इसके अंदर आप डालिएगा अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें आप इसके अंदर डालिए। डालने के बाद यूपीआई के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, जैसे चाहिए उसके अंदर आप रुपया, रुपया इसके अंदर डालिए, और रुपया डाल के आप वहां से खरीदिए बीयूएसडी डॉलर और बीएनबी खरीदिए, और बीयूएसडी डॉलर और बीएनबी को डालिए अपने ट्रस्ट वॉलेट में। आसानी से आपकी आईडी लग जाए, कोई लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं, लंबा चौड़ा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। उम्मीद करता हूं लीडर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। लेकिन आपको लगता है सर इसके लिए तो आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा, इसके अंदर टैक्स भरना पड़ेगा, बिल्कुल टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स तो देना पड़ेगा फाइनेंस, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये चीजें नहीं चाहते तो आप क्या कीजिए, आप अपने अपलाइन को रुपया भेजिए, आपका अपलाइन ट्रस्ट वॉलेट में डॉलर डाल देगा, आसानी से आपकी आईडी लग जाएगी। दोनों रास्ते, या अपलाइन से डॉलर ले लीजिए, टैक्स से बच जाइए स्टार्टिंग में, या अपने से डॉलर खरीद लीजिए, भारत सरकार को टैक्स दीजिए। जो बात है क्लियर, दोनों रास्ते मैं आपको बताता हूं। नहीं तो इसके बदले में क्या होता है कि आपका अपलाइन जब आपको डॉलर देता है तो आप टैक्स ना भर के आपका अपलाइन को भरना पड़ता है, टैक्स टैक्स तो देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एक नंबर का काम। उम्मीद करता हूं लीडर आपको यहां तक फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि 4 साल के अंदर आईडी लगाने के लिए डॉलर हमें चाहिए, डॉलर हम कहां से ले पाएंगे, उसको पे, उसको कैश कराने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई। अब चलता हूं डायरेक्ट 4 साल के बिजनेस प्लान के ऊपर कि 4 साल का बिजनेस प्लान कैसा है। अब भाई मैं सीधा बताऊंगा कि सीट बेल्ट बांध लो, अब प्लेन उड़ने वाला है। आज तक मैं आज भी एक मीटिंग ले रहा था, अजीत सर का मीटिंग ले रहा था, उस मीटिंग में मैंने आज बताया था दो चीजें। अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर 10,000 रुपए लगा दीजिए और आप 1,00,000 रुपए महीना कमाइएगा, तो बोलिएगा सर मैं कर दूंगा, 100% मैं कर दूंगा। 10,000 रुपए लगा करके 1,00,000 रुपए महीना कमाने का बिजनेस बता रहे हैं, बिल्कुल मैं कर दूंगा, 110% कर दूंगा। मैं वही फॉर्मूला आपको बता, वही सिस्टम बताने वाला, छोटा सा इन्वेस्टमेंट, जीवन में वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम तक इनकम आप ले सकते, बिना किसी किचकिच, बिना किसी झंझट, बिना किसी जिम्मेवारी, बिना किसी लाइबिलिटी। लेकिन मन में सवाल चल रहा होगा 1,00,000 रुपए नहीं कमाते हैं, लेकिन आप बोल रहे हो 10,000 रुपए लगा के 1,00,000 रुपए कमाने का फॉर्मूला, क्या ये बात कहां तक सच है? बिल्कुल लीडर, कहां तक सच, कहां तक सच है। चलिए हम लोग चलते हैं 4 साल के बिजनेस प्लान के ऊपर और समझते हैं 4 साल के बिजनेस प्लान को, 4 साल का बिजनेस प्लान काम कैसे करता है। लीडर सबसे पहले मैं आपके सामने लिख दूं, सबसे पहला प्रोग्राम है आपका X3, दूसरा है आपके पास X4, तीसरा है आपके पास XXX, और चौथा है आपके पास X4। 4 तरह का योजना है 4 साल के अंदर,
X3, X4, XXX और X Gold चार योजना। अभी जो चार योजना है, चारों योजना अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आप जिस योजना में पैसा लगाइएगा, जिस प्रोग्राम में पैसा लगाइएगा, उसी प्रोग्राम का आपको इनकम आएगा। जिस प्रोग्राम में आप पैसा नहीं लगाइएगा, उस प्रोग्राम का इनकम आपको नहीं आएगा। चारों प्लान को आप एक दूसरे से नहीं जोड़ सकते, चारों अलग अलग, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है चारों में, उसको हम देख लेते हैं कि चारों के अंदर फर्क क्या। सबसे पहले मैं बात करता हूं X3 का। X3 में क्या फर्क है, यहां पर आपकी आपको यहां 100% इनकम आ जाता है X3 के अंदर। अगर मैं बात करूं X4 में, यहां पर आपका अपलाइन किसी की एंट्री डाले या डाउनलाइन डाले या क्रॉस लाइन डाले या आप सेलेक्ट किसी की एंट्री डालते हो, आपको यहां पे 100% इनकम आता है एक मिनट के अंदर। अगर मैं XXX की बात करूं, यहां पर अपलाइन काम करे, आपका डाउनलाइन काम करे, क्रॉस लाइन काम करे या सेल्फ किसी की आईडी लगाते हैं, यहां पर आपको 30% प्लस 70% टोटल 100% इनकम आपको यहां पर भी आ जाता है। अगर मैं बात करूं एक्स गोल्ड का, तो यहां अभी अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन और सेल्फ के काम करने से इनकम आता है, लेकिन इनकम आएगा कैसे, 20% 30% और 50% के रूप में 100% इनकम आपको यहां पर भी आएगा। लेकिन अंतर क्या, आप बोलिएगा सर चारों तो आपने जैसा भी बना दिया, लेकिन अंतर क्या। अंतर समझिएगा कि X4 जो है, X4 है, मान लीजिए आप यहां पर बैठे हो, आपका ऊपर का एक अपलाइन, नीचे का एक डाउन लाइन, इधर का एक क्रॉस लाइन और इधर के एक क्रॉस लाइन के काम करने से आपको इनकम आता है कितना, तो जवाब में आएगा सर 100% इनकम आता है। अब बात करता हूं X4 में, आप मान लो यहां बैठे हो, आपका ऊपर का एक, दो अपलाइन, नीचे का एक और दो डाउन लाइन, इधर का एक और दो डाउन लाइन और इधर का एक और दो क्रॉस लाइन काम करेगा, 30% और 70% यहां से आ जाएगा, मतलब 100% आपको XXX से भी आ गया। ऊपर के दो अपलाइन, नीचे के दो डाउन लाइन, इधर उधर के दो क्रॉस लाइन से आपको इनकम आता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एक्स बोर्ड का, मान लीजिए आप यहां पर बैठे हो, ऊपर का एक, दो और तीन, नीचे का एक, दो और तीन, इधर का एक, दो और तीन और इधर का एक, दो और तीन अपलाइन के काम करने से इनकम कितना आता है, 20% 30% और 50% के रूप में आपको जो यहाँ पर इनकम आएगा कितना, 100% इनकम यहाँ पर भी आ जाए। फर्क देखिए तीनों के तीनों, चारों के चारों प्रोग्राम के अंदर। आपके सामने मैंने दूध का दूध और पानी कर दिया कि 4 साल के अंदर अपलाइन और क्रॉस लाइन के काम करने से इनकम आता कैसे है। ये स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो भैया 4 साल समझ में आ गया, आप लाखों रुपया कमाना शुरू कर दो। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं है, ये चीजें समझ में नहीं आई, तो मैं सीधा बोलूंगा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आए। नंबर 1, अब क्लियर करता हूं, अब मैं इसको आपको अच्छे से क्लियर करूंगा कि X3, X4, XXX, X Gold के प्लान में हमें जबरदस्त इनकम निकलता कैसे, कितना इन्वेस्टमेंट है, इनकम निकलेगा कैसे, 100% की कैपेसिटी क्या होगी लीडर, उसके बारे में अब मैं आपको क्लियर करने जा। सबसे पहले मैं यहां पे आपके सामने क्लियर करता हूं X3 का प्रोग्राम, कि X3 का प्रोग्राम है क्या और काम कैसे करना। जब आप X3 के अंदर स्लॉट बाय करेंगे तो आपको यहां पे कुछ लेवल दिखाई देगा, जैसे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसा करके कुछ 90 आपको दिखाई देगा। जब आप X3 के अंदर स्लॉट बाय कर लिएगा तो टोटल 12 डब्बे आपको दिखाई देंगे। इस डब्बों को हम लेवल भी बोलते हैं। यहां पर जो इनकम आता है कैसे आता है, आपके काम करने से, आपका डाउनलाइन किसी की आईडी डालेगा, 100% आपको इनकम X3 के अंदर आता है। लेकिन पहले लेवल का वैल्यू कितना है ये सोचने वाली, पहले लेवल का जो वैल्यू है वो है कितना, तो आया $5, दूसरे का $10, तीसरे का 20, चौथे का 40, पांचवे का 80 और छठे का 160। इस तरीके से आपका टोटल 12 लेवल तक जाता है। कहने का मतलब है 4 साल X3 के अंदर $5, मतलब 400-500 रुपया लगा करके, 400-500 से लगा करके 16 लाख रुपए लगा कर, 500 से लेके 16 लाख रुपए तक का लेवल है। आप चाहे एक या दो लेवल से आए, चाहे आप 12 के 12 लेवल से आए, 16 का 16 लाख रुपए लगा के आ सकते हैं, या आपके पास थोड़ा और इन्वेस्टमेंट है तो आप क्या करिए, 4 या 5 लेवल से आ सकते हैं, 4 या 5 लेवल, मतलब 24,000, 25,000, 13,000, 14,000 से भी 5 या 6 लेवल आप बाई करके सिस्टम में आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि यहां पर आपने 5 या 6 लेवल बाई की,
तो अब आपके पास क्या पावर आ जाएगा कि यहां पर आप किसी भी पर्सन को $5, $15, $35, $75, $155 या $310 से आप किसी भी पर्सन को ज्वाइन करा सकते हैं कि अगर आपने 6 लेवल खरीदा है तो आप किसी को पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें लेवल से ज्वाइन करा सकते हैं क्योंकि आपके पास 6 लेवल है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, आप 7वें 8वें 9वें लेवल से किसी को नहीं ज्वाइन करा सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास 4-5 ही लेवल है। जो बात है क्लियर, 6 ही लेवल है, बड़े लेवल से नहीं ला पाएंगे क्योंकि आपके पास छोटे लेवल। अगर किसी को बड़े लेवल से लाना है तो सबसे पहले आपको अपना लेवल बड़ा करना पड़ेगा, तभी जाके आप किसी को बड़े लेवल से ला पाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको क्लियर करता हूँ कि ये जो एक्सट्री का एल्गोरिथम है वो काम कैसे करता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक्सट्री में एक फिगर में बना देता हूं, मान लीजिए एक्सट्री में आपने ₹10,000 लगाए, ठीक है, फिंगर से आपने एक्सट्री में ₹10,000 लगाए। अब जब आप एक्सट्री के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक गोला, दो और तीन गोला आपको यहां पर दिखाई देता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है, तीन गोले आपको हर एक हर स्ट्रक्चर में, हर एक गोले में आपको दिखाई देता है। लेकिन यहां पर जैसे ही किसी पहले पर्सन को आप लाते हो, दूसरे को लाते हो, तीसरे को लाते हो, या चौथे को लाते हो, या पांचवें को, या छठे को, जितने मर्जी लोगों को आप डायरेक्ट में ज्वाइन कराइए, अनलिमिटेड लोगों को आप डायरेक्ट में, जितने मर्जी लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन करा, अनलिमिटेड डायरेक्ट। लेकिन यहां पर होगा क्या ना, जैसे आप किसी पहले पर्सन को लाएंगे तो पहला पर्सन पहले गोले में आएगा, पहले का 100% इनकम किसको आएगा? तो जवाब आता है सर, आपको आएगा, आपने पूरा का पूरा 10,000 रुपए कमाए पहले पर्सन से। लेकिन जैसे किसी दूसरे को आप लाएंगे, दूसरा दूसरे गोले में जाके बैठेगा, दूसरे का भी 100% आपको इनकम आ जाएगा, 10,000 पूरा का पूरा आपको आ जाएगा। लेकिन जैसे किसी तीसरे को लाएंगे, तीसरा यहां था, तीसरा तीसरे गोले में आएगा, लेकिन तीसरे का इनकम किसको जाएगा? सर आपके ऊपर अपलाइन को चला जाएगा, मतलब ये तीसरे गोले का इनकम आपको ना मिलके आपके ऊपर अपलाइन को चला जाएगा। अब क्या होगा सर, जैसे आपने तीन लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन कराया, अब क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आपका रिसाइकल हो जाएगा, दोबारा भरने के लिए तैयार, मतलब फिर से खाली हो गया, मतलब फिर से भरने के लिए तैयार। मतलब ये कि चौथा जो गोला है, चौथा फिर से यहां पर आ गया, पांचवा यहां आ गया, छठा यहां आ गया, चौथे से फिर से आपको 10,000, पांचवें से फिर से आपको 10,000 और छठे का फिर से आपको ना मिलके छठे का इनकम कहां चला गया? आपके ऊपर अपलाइन को चला गया। हुआ क्या, आपने तो एक ही बार ₹10,000 लगाया ना, आपने तो एक ही बार ₹10,000 लगाया। आप जितने मर्जी लोगों को डायरेक्ट में करते जाइए, हर एक डायरेक्ट के प्रत्येक दो आईडी का इनकम आपको आएगा, तीसरे का उसके ऊपर चला गया। लेकिन आप बोलिएगा सर कि मैं 5-6-7 लोगों को डायरेक्ट में नहीं ला सकता, अगर मैं एक ही पर्सन को अपने डायरेक्ट में लाया तो क्या हो? बिल्कुल सही सवाल है आपका। अगर आप एक ही पर्सन को लाते हैं तो क्या हो? आपका ये पहला गोला आप एक पर्सन को लाते हो, आपका ये पहला गोला भर जाएगा, ऐसा ही भरेगा। अब ये वाला पर्सन आपने एक ही लोगों को लाया तो जाहिर सी बात है, जैसे आपके तीन गोले हैं वैसे इसके भी तीन गोले होंगे, जैसे आपके तीन गोले हैं वैसे इसके भी तीन गोले होंगे। तो यहां पर भी क्या फिगर बनता है कि दो गोले का इनकम तो ये रखेगा, लेकिन इसकी तीसरी आईडी का इनकम कहां जाएगा सर? आपके गोले में। इसकी छठी आईडी का इनकम जाएगा आपके गोले में, इसकी नौवीं आईडी का इनकम जाएगा आपके गोले में, आपकी 12वीं आईडी का इनकम जाएगा आपके गोले में, 15वीं आईडी का इनकम जाएगा आपके गोले में। मतलब अगर आपके नीचे एक बंदा भी काम कर रहा है, उसकी प्रत्येक तीसरी आईडी का जीवन भर इनकम आपको आता रहेगा। आपने एक ही बार ₹10,000 लगाया, आपको दोबारा रीइन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, कोई रीपर्चेजिंग नहीं, कोई रीइन्वेस्टमेंट नहीं। हर बार आप जितने मर्जी डायरेक्ट में या आपकी टीम डायरेक्ट में या आप किसी की आईडी कर रहे हो भैया, हर बार आपको ₹10,000 आपको लाइफ टाइम तक आता रहेगा। जो फिगर है इसी तरीके से आपका काम करता है। सोचिए कि अगर आपने 12 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन करा दिया तो आपने इनकम कितना कर लेते हो? आप अगर आप 10 या 12 लोगों को बेटा डायरेक्ट में ले आते हो तो आप इनकम कितना कर लेते हो? आपके सामने फिगर, आपके सामने लाइव है भाई, लाइव है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ₹80,000 तो टोटल इनकम आपका यहीं से निकल जाता है। अगर आपने 12 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन करा दिया तो 12 में से ₹80,000 तो आपने कमा लिया। अब जो 12 लोगों को अगर आपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराया, 12 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन कराया, एक फिगर में बता रहा हूं कि अगर इन 12 में से ज्यादा नहीं, हो सकता है आपने 10-12 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन कराया, हो सकता है कि इसमें से कई ऐसे लोग जो 10-12 लोगों को डायरेक्ट में ले आए, कई ऐसे होंगे कि 1-2 लोगों को भी डायरेक्ट में नहीं ला पाएंगे, कई ऐसे होंगे जो 3-4-5 लोगों को ही लाए। एक फिगर में बताने जा रहा हूं, एक फिगर के अनुसार अगर ये 12 लोगों ने ज्यादा नहीं, सिर्फ
अपने साथ तीन तीन लोगों की डायरेक्ट मिली आए तो 36 लोगों की टीम बनी। 36 लोगों की टीम का मतलब क्या हुआ, 36 डिवाइडेड बाय 12 आईडी करूंगा तो कितना निकलेगा सर, आपकी पूरी टीम ने मिलके आपके 12 लोगों ने मिलकर 36 लोगों का ग्रुप बना दिया तो 36 डिवाइडेड बाय 12 मतलब क्या फिगर हुआ सर, 12 इंटू 10,000 रुपए मैंने यहां से कमा लिया। कितना इनकम हुआ यहाँ पे, 1,20,000 रुपए और 80,000 रुपए ये वाला टोटल फिगर कहां गया, 2,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए एवरेज हुआ। अगर हमारे पास 10 या 12 लोग काम करने वाले, दो तीन लोगों 36 लोगों का भी ग्रुप बनता है तो 2,00,000 गोली मारो भैया, 12 नहीं काम करेंगे। 50% भी काम होता है तो फिर भी 1,00,000 रुपया, 25% भी काम होता है तो फिर भी 50,000 रुपया, मैं बोलता हूं 10% काम होता है तो फिर भी 25,000 रुपया। आपके प्राइवेट नौकरी से तो लाख गुना बढ़िया है, आपका जो प्राइवेट नौकरी है ना, जो जिसके लिए आप 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करते हो, उससे तो लाख गुना बढ़िया है कि अगर 50% काम हुआ तो महीने का 1,00,000 आएगा, अगर 25% काम हुआ तो महीने का 50,000 आएगा। मैंने तो अभी भाई X3 ये बताया है, अभी तो मैंने आपको X3 बताया, अभी तो X4 बाकी है, XXX बाकी है, X गोल्ड बाकी है, अभी तो ये चारों फिगर बताया ही नहीं मैंने आपको। यहाँ पर तो आप और आपकी टीम काम कर रही तो इनकम आ रहा है, अब जब मैं बताऊंगा आपको X गोल्ड के बारे में, XXX के बारे में, X4 के बारे में, तो आप तो बोलिएगा विजय सर आज आपने मुझे अमरीका घुमा दिया। सीधा बोलिएगा कि सर हिंदुस्तान में रह के $2 से जाके मैं शेव करवाने जाता हूँ, $1 से जाके मैं सब्जी खरीदने जाता हूँ, $2 का 1 किलो चीनी लेके आता हूँ, $2 का पेट्रोल में गाड़ी में पेट्रोल भराता हूँ। डॉलर से बात करिए, रुपया इसका कभी बात ही नहीं करिए। क्यों भाई, हिंदुस्तान में डॉलर से कमाना है और रुपया खर्चा करना है। किसी अमेरिकन को अगर आप मिलेंगे या किसी विदेश को अगर कोई बाहर का लड़का अगर आएगा ना तो बोलेगा हिंदुस्तान में तो कुछ खर्चा ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि उनको सीधा पता है $1 = 90 रुपए। लीडर्स मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला के ऐसा सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर आप अपने घर में अपनी फैमिली में अपने परिवार में रहते हुए पूरी फैमिली को टाइम देते हुए महीने का 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000 रुपए का एवरेज निकाल सकते हैं। ऐसे बिजनेस, ऐसे अपॉर्चुनिटी को अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो मैं सीधा बोलूंगा भाई क्या है कैसे है उसके बारे में आपको क्लियर करूंगा। अभी आपको मैंने X3 को क्लियर किया, अब मैं आपको क्लियर करता हूं X गोल्ड प्लान के बारे में। पहला प्लान क्लियर हुआ, अब आपको मैं क्लियर करता हूं X गोल्ड का फॉर्मूला। X गोल्ड, X गोल्ड का फॉर्मूला कैसे काम करता है इसको हम लोग देखते हैं। जैसे लीडर आपने X3 में पैसा लगाया वैसे ही आपको X गोल्ड के अंदर आपको यहां पर लेवल दिखाई दे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, 6 ऐसे करके कुछ लेवल आपको दिखाई देंगे X गोल्ड के अंदर। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि X गोल्ड का जो पहला लेवल है वो कितने का है सर, वो है आपका $10 का, $20 का, $30 का, $50 का और पांचवा लेवल $80 का। अगर आप यहाँ पे चार लेवल भी खरीदते हो, X गोल्ड के चार लेवल भी खरीदते हो तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 5, 10, 20, 30, 50 टोटल $110 मतलब कितना रुपया लगा सर, $9,000 लगा। $110 का मतलब $9,000 लगा हमारा अगर चार लेवल खरीदे। सेम यहाँ पर भी वही फिगर है, अगर आपने चार लेवल खरीदा तो आप किसी भी पर्सन को चार लेवल से ला पाएंगे, आप किसी को पांचवें लेवल से नहीं ला पाएंगे क्योंकि आपने चार ही लेवल खरीदे। तो फिगर वही कहता है कि एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि आपने यहाँ पे बड़ा सा स्ट्रक्चर में बना देता हूं, मान लीजिए आपने यहाँ पे ₹10,000 लगाए, आपने यहाँ पे ₹10,000 लगाए X गोल्ड के स्ट्रक्चर। X गोल्ड का स्ट्रक्चर क्या कहता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप यहाँ पर बैठे हो, आपका 1, 2 और 3 अपलाइन, नीचे का 1, 2 और 3 डाउनलाइन, इधर का 1, 2 और 3 और इधर का 1, 2 और 3, ऊपर के 3 अपलाइन, नीचे के 3 डाउनलाइन, लेफ्ट राइट के 3-3 क्रॉस लाइन से आपको इनकम आता है X गोल्ड में। लेकिन इनकम बटेगा कैसे देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड 3, 4, 5, 6 फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 14 गोले हो गए यहां पे, उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 ये 30 गोले हो गए।
पहले लाइन में दो गोले, दूसरे लाइन में चार गोले, तीसरे लाइन में आठ गोले और चौथे लाइन में टोटल 16 गोले, यहां पर ये फिगर। अब ये स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, मैंने पहले बताया 4-4 के अंदर कोई मैचिंग नहीं, कोई 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 कोई, कोई कैचिंग नहीं, कोई जनरेशन प्लान नहीं, कोई सिंगल प्लान नहीं, 4-5 मैट्रिक्स प्लान। 4-5 मैट्रिक्स प्लान का मतलब मान लीजिए आपने 10,000 रुपए लगाया और आप किसी एक पर्सन को ज्वाइन कराते हो, आप किसी एक पर्सन को लाते हो, पहला पर्सन कहाँ आएगा सर, ये पहले गोले में आएगा, दूसरा पर्सन कहाँ आएगा सर, दूसरे गोले में आएगा, तीसरा कहाँ आएगा, पहले के नीचे आएगा, चौथा यहाँ आएगा, पांचवा यहाँ आएगा, छठा यहाँ आएगा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, ऐसे ही भरेगा सर, यहाँ 15, 16, 17, 18 इस तरह करके 29 और 30 ऐसे ही भरेगा पूरा का पूरा फिगर। अब ये आप पूरा स्ट्रक्चर देखिए, पूरा प्लान आपको समझ में आया, लेकिन हुआ क्या, मैं बोलता हूं आपने दो लोगों का आया, पहला दूसरा यहां आएगा, आया आपके काम से, आप ही ने तीसरे चौथे पांचवें को लाए, आप ही इसी को लाते हो, आप ध्यान से ऑटोमेटिक तीसरा और पांचवा आ गया, मतलब पहले का ये क्या बना, पहला और दूसरा बना, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा नौवा दसवा ग्यारह और बारह तेरह और चौदह, पहले का आपने भर दिया, कितने गोले भर दिया, काम आप कर रहे हो लेकिन पहले ने कुछ नहीं किया, पहले ने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी आपने उसके 2, 4, 8 गोले भर, काम तो आपने किया। या मैं यहां पर यह बोलता हूं, चलिए, या मैं यहां पर यह बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं सर आप किसी को लाते हो, आप किसी को लाते हो तो पहला यहां पर आया था, अब ये वाला बंदा काम करे, या आप किसी की आईडी लगाओ तो यहां पर गोला भरेगा, ये काम करेगा तो भी यहां भरेगा, अब ये दो बंदे काम करे या ये काम करे या आप काम करो, 1, 2, 3 ये तीनों लोग मिलकर के जितना काम करेंगे कहां भरेगा सर, ये वाला फिगर भरेगा। अब ये चारों लोग मिलकर काम करे या ये दोनों काम करे या ये करे, ये सब लोग काम करेंगे तो कहां भरेगा सर, ये वाला स्ट्रक्चर भरेगा। मतलब हो क्या रहा है कि हर आदमी एक दूसरे का स्ट्रक्चर भर रहा है। क्या कोई यहां पर ये कह सकता है कि मैंने 30 के 30 लोग भरे अपने से, कोई यहां पर ये कह सकता है कि 30 का 30 गोला मैंने भरा, तो जवाब आएगा नहीं, हर आदमी दूसरे का गोला भर रहा है, हर आदमी एक दूसरे के नीचे आके बैठ रहा है, हर आदमी एक दूसरे के लिए काम कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है लीडर कि एक्स गोल के अंदर जो इनकम आएगा आपको, वो इनकम आता कैसे है, तो सीधा सा फंडा है, एक्स गोल्ड के अंदर जो आपको इनकम आता है ना, वो इनकम आता है इस लाइन से आता है 20%, इस लाइन से आता है 30% और इस लाइन से आता है आपको 50%, 20, 30 और 50 20, 30 और 50% आपको एक्स गोल्ड के अंदर इनकम आता है। पहले और दूसरे गोले का जो इनकम होगा, पहले और दूसरे गोले का इनकम आपको ना मिलके आपके ऊपर अपलाइन डाउनलाइन को चला जाता है, लेकिन चार गोले का 20% के हिसाब से, चार गोले हैं यहाँ पे, चार गोले हैं यहाँ पे दूसरे लाइन में, चार गोले का 20% के हिसाब से 2000 × 4 करूंगा तो कितना बनेगा सर, 8000 रुपए यहां बनेगा, और लास्ट में इस लाइन में 30% है, 8 गोले का 30% का 3000 रुपए के हिसाब से 8 गोले 3 करूंगा तो कितना बनेगा सर, 8 के 24000 रुपए बनेगा, और लास्ट में टोटल 14 गोले 50% आ रहा है, 5000 × 14 करूंगा तो कितना होगा सर, 14×5 = 70 क्या हुआ, टोटल इनकम कितना हुआ सर, 1,02,000 रुपए टोटल इनकम आपने आया, आपने लगाया कितना 10,000 रुपए, आपने कमाया कितना 1,02,000 रुपए, और ये बाकी लास्ट वाला 29वां 30वां जो गोला है ये आपके अपलाइन को चला जाता है रीसाइकल के, 29वां और 30वां गोला आपके अपलाइन को चला जाता है रीसाइकल के लिए, और आपको बार बार आपका स्ट्रक्चर बढ़ता है, बार बार आपको 1,02,000, बार बार 1,02,000, बार बार आपको 1,02,000, बार बार 1,02,000 रुपए इनकम आपको आता है एक्स गोल्ड के स्ट्रक्चर के अंदर। सोचिए लीडर्स कि अगर हम यहाँ पे ज्यादा नहीं 2-3 लोगों को भी अगर डायरेक्ट में ले आते हैं, कितना फिगर, मैं बोलता हूँ ज्यादा नहीं, 3×3 के फॉर्मूले पे भी काम करते हैं ना, 3×3 के फॉर्मूले पे भी, तो स्ट्रक्चर हमारा ये बनता है और हमें 1,02,000 रुपए का इनकम आता है, 1,02,000 रुपए का इनकम आता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ चार लेवल की बात की तो आपको 1,00,000 रुपए का इनकम आया सिंगल रिसाइकल से। सोचिए कि अगर इसके 15 लेवल है
15 लेवल है, अगर 15 लेवल पे जाएंगे तो कितना इनकम आएगा, तो जवाब में आता है सर 5 करोड़ रुपए। अगर 15 लेवल पे जाते हैं तो 5 करोड़ रुपए इनकम निकलता है, लेकिन मैंने बात की मात्र चार ही लेवल का बात किया और इनकम आपके सामने, फिगर आपके सामने 1,02,000 रुपए का। सोचिए कि अगर आपका X3 के अंदर अगर आप 2 लाख रुपए का इनकम निकालते हैं और एक्स गोल्ड के अंदर ज्यादा नहीं आप 1 लाख रुपए का इनकम निकालते हैं, ज्यादा नहीं सिर्फ और सिर्फ यही फिगर है, 2 और 1 3 लाख रुपए का मंथली इनकम आपका एवरेज बनता है। अगर 50% भी काम होता है तो 1.5 लाख रुपए महीना, अगर 25% भी काम होता है तो 75,000 रुपए महीना, अगर 12% भी काम होता है तो 37-38,000 रुपए महीना एवरेज बनता है। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये वाला फिगर चाहिए, ये वाला फिगर चाहिए, 50% काम होता है तो ये, 25% काम होता है तो 75,000 रुपए काम है क्या आपकी प्राइवेट नौकरी से? लाख गुना अच्छा, लाख गुना बढ़िया भाई प्राइवेट नौकरी से। अब यहीं पर छोटी सी कहानी मैं सुनाने जाऊंगा। आज मैंने शाम में एक ग्रुप मीटिंग किया था, उसके अंदर मैंने कहानी सुनाई थी, वहां पर मैं बताने जाऊंगा। एक मंकी के पास, एक बंदर के पास आप केले रखिए और पैसे रखिए, रुपया से बहुत सारे केले खरीदे जा सकते, कभी नहीं उठाएगा। कारण क्योंकि मंकी को पता ही नहीं है रुपया से बहुत सारे केले खरीदे जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं पता। सेम उसी प्रकार लीडर, आपको लगता होगा कि विजय सर 3-4 लाख रुपए महीना कमाने की बात करते हैं, मैंने अपने जीवन में कभी 3-4 लाख रुपए कमाने का सोचा ही नहीं, अपने ड्रीम ही नहीं बनाया, तो मेरे हाथ में एक तरफ बिजनेस रखा जा रहा है, एक तरफ नौकरी रखा जा रहा है। आपके सामने एक तरफ नौकरी है, एक तरफ बिजनेस है, मैंने दोनों चीजें आपके सामने रखी, तो आपका दिमाग ज्यादातर कहां जाएगा, नौकरी के ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि नौकरी पे जाके हम ये पूछते हैं कि सर मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, हम ये पूछेंगे कि सर मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, तो अगला बोलेगा 20,000-25,000, सर 20,000 मिलेगा मजा आ जाएगा, सर 30,000 मिलेगा सर मजा आ जाएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पूरे जीवन भर में जितना नौकरी में नहीं कमाएंगे उतना बिजनेस में हो सकता है 6 महीने में कमा लेंगे, 1 साल में कमा लेंगे, या हो सकता है कि आप ना कमाए, ये भी दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन हम पॉजिटिव फिगर लेके चलते हैं कि अगर 25%, 30%, 10% भी काम हुआ तो महीने का 75,000, 1 लाख, 2 लाख कहीं नहीं आया। आपको मैंने फिगर में बताया भी, आपको मैंने फिगर में बताया कि अगर हम बिजनेस चूज करते हैं, जॉब ना चूज करके बिजनेस चूज करते हैं, तो हमारा इनकम कितना निकलता है, आपके सामने मैंने लाइव प्रूफ की। अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे ना, हमारे देश को गुलाम बनाना चाहते थे, उनके पास हिम्मत नहीं हुआ, उनको पता था कि हमारे पास चाहे बंदूक हो या तोप हो या गोली हो, इस हिंदुस्तानियों को हम गुलाम नहीं बना पाए, क्योंकि हिंदुस्तानी लाठी से लड़ना जानते, मुक्के से मार देते हैं किसी न किसी, हाथ जोड़ते बंदा मर जाता है, इतना कैपेसिटी है हिंदुस्तानी के पास। अगर हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना है ना, तो इसका एजुकेशन सिस्टम बदल, तो उन्होंने पढ़ाई का तरीका ही बदल, उन्होंने पढ़ाई का मकसद रखा सीधा, भाई पढ़ाई करो नौकरी लो, पढ़ाई करो नौकरी लो, और आज तक वो परंपरा चली आ रही है, आज तक वो परंपरा चली आ रही है। एंटरप्रेन्योर जहां पर बनते हैं ना, पढ़ाई का मतलब बिजनेसमैन, करोड़ों अरबों की संख्या हो चुकी अपनी इंडिया। तो अगर मैं छोटे से अमाउंट से 1,50,000, 2 लाख रुपए कमाने का फॉर्मूला आपको बताता हूं, तो मुझे लगता है मैं खुशनसीब हूं उसमें अपने अपलाइन का, कि जिस अपलाइन ने मुझे इस जूम इस फोर्सा के बारे में बताया था, और आज मैंने बोलता हूं, मेरा स्टेटमेंट बोलता है, मेरा आईडी बोलता है, मेरा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बोलता है कि कहां एक ऐसा समय था कि 1 हफ्ते तक लगातार चावल में पानी और नमक डाल के खाया करता था, लेकिन कहां एक ऐसा समय है कि रोज का 2,000-3,000 रुपए ऐसे ही खर्चा करता हूं पर डे। कहने का मतलब यह लीडर कि 4 साल के अंदर कितना पैसा लगाए, कितना टीम बनाए जो इनकम हम बड़ी निकाले। आपके सामने एक छोटा सा बात करूंगा कि X3 के अंदर ज्यादा दिमाग ना लगाइए और एक्स गोल्ड के अंदर ज्यादा दिमाग ना लगाइए। एक्स गोल्ड में 1, 2, 3, 4 और 5 लेवल यहां खरीदिए, और एक्स गोल्ड के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 लेवल आप यहां खरीदिए। X3 में 5 लेवल का मतलब क्या हुआ, 5, 10, 20, 40 और 80, और एक्स गोल्ड में क्या हुआ, 10, 20, 30, 50 और 80।
मतलब यहाँ पर एक्सरे के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ कितना हुआ, 175 और $155 आपका एक्सरे में हुआ, और अगर मैं एक्स गोल्ड की बात करूं तो $190 आपका एक्स गोल्ड में, दोनों को अगर मैं ऐड करूं $345 का मतलब अगर आप पांच लेवल से आते हैं एक्स गोल्ड के अंदर पांच लेवल से आते हैं तो आपका करीब करीब जो फिगर जो अमाउंट बनता है वो 28,000 से 29,000 रुपए आपका लगता है वन टाइम। अगर आप चार लेवल से आते हैं तो आपको कितना लगता है, 175 और 110 करीब करीब तेरह चौदह हजार रुपए आपका चार लेवल से आप लगता है तो ये होता है। अगर आप तीन लेवल से आते हैं तो कितना लगता है, 8,500 रुपए के आसपास। ये वाला फिगर है। लेकिन इनकम कितना कर लेते हैं हम लोग, इनकम कितना कर लेते हैं अगर इस वाले फिगर से आते हैं तो जवाब आता है सर हर महीने ₹3,00,000 का इनकम, हर महीने ₹3,00,000 का इनकम। अगर हम लोग इस वाले फिगर से आते हैं तो हर महीने करीब करीब ₹1,50,000 का इनकम, अगर इसमें इस वाले फिगर से आते हैं तो हर महीने ₹75,000 का इनकम। फिगर आपके सामने, इन्वेस्टमेंट आपके सामने, वर्किंग आपके सामने, वर्किंग आपके पास तीन गुना तीन का फॉर्मूला, बस ज्यादा बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं। आपका ये वाला इन्वेस्टमेंट, आपका ये वाला मेहनत और हर महीने आपको ये वाला, तीनों चीजें मैंने आपके सामने रखा, ये इन्वेस्टमेंट, ये मेहनत और ये वाला हर महीने का इनकम। अब देख लो भैया क्या जरूरी है, नौकरी जरूरी है या फोर्साइट का ये बिजनेस जरूरी है, आपके सामने लाइव विद प्रूफ। अब सवाल आएगा कैसे करना है, कितना इनकम होना है, बाकी लीडरों ने किया भी है कि नहीं किया है, उनका इनकम देखने का, स्टेटमेंट देखने का, उनका एक्सपीरियंस सुनने का। उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अभिषेक सर को, जिन्होंने सरकारी नौकरी को लात मार दिया और फोर्साज को अपनाया। जितना 4 साल में उन्होंने नहीं कमाया सरकारी नौकरी में, उतना फोर्साज में उन्होंने 1 साल में कमा। तो सर आइए और आगे मीटिंग को कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच विजय प्रकाश सर, आपने काफी अच्छे तरीके से बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन किया। एंड लीडर्स, आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होगी। एंड अभी तक जो बने हुए हैं, सबसे पहले उनको थैंक यू मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि बिलीव मी अगर आप 45 मिनट किसी भी चीज को सीखने और समझने के लिए दे सकते हैं, देन आई मस्ट से कि आने वाले समय का जो मिलीनियर बिलीनियर हैं इस बिजनेस के आप बनने वाले हैं, ये पक्का श्योर है। अब बारी आती है कि विजय सर ने बहुत कुछ बता के चले गए, अब ये जमीनी स्तर पे कितना सही है और कितना गलत है। तो कहते हैं ना कि हम इस बिजनेस में हर चीज को प्रूफ से दिखाते हैं, कुछ भी हवा में तीर मारने जैसा चीज यहाँ पे नहीं होता है, जो भी है सब सामने है, कुछ भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अगर सबके सामने है और सबके नजर के सामने है तो चलिए एक बार देखना तो बनता है कि भाई कितना कितना लोग कमा रहे हैं। अभी आपके सामने में कुछ प्रूफ के लिए कुछ छोटी छोटी आईडीज दिखाता हूं। आप कह रहे होंगे कि सर मैं 15 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, 20 साल से हूँ, मेरी इतनी की टीम है, मैंने इतना का नेटवर्क बनाया, ये बनाया, वो बनाया, जो ठीक है, सब कुछ आपका अचीवमेंट सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पैसा का, अगर हम बात करते हैं इनकम का, तो कितना कमाया। तो जब हम टीम साइज, विजय सर ने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कितना टीम, कितनी इनकम और कितना समय, आपके सामने मैं एक आईडी खोलने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये आईडी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आप इसका चेक करोगे तो 18/3/2022 का, 8/3/2022, मतलब 8 मार्च को ज्वाइन किया, अभी साल भर भी नहीं हुआ है। कितनी की टीम है, 1750 लोगों की टीम, 2000 की भी टीम नहीं है। लेकिन इनकम की बात करें तो कितना प्रॉफिट है मेरे दोस्त, $38,335, इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें तो महज 35-36 लाख रुपए, 35-36 लाख रुपए। अब बोलेंगे सर ये क्या बात कर रहे हो 1700 टीम में, अभी मैं आपको और आश्चर्य करने जा रहा हूं, अभी आप जब देखेंगे तो आपको और आश्चर्य लगेगा, मैं कुछ और आईडी खोल के दिखा रहा हूं। इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, अमेरिका, हर फील्ड से लोग हमारे इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं। आप कहीं से भी हो इस बिजनेस को अच्छे से कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा कॉम्ब अलाउ नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। आप यहां से उर्दू में लिखा हुआ है, जो भी मुस्लिम भाई हैं, बहन हैं, आप देख सकते हो क्या लिखा है, नाम मेरे को नहीं पता, मेरे को उर्दू पढ़ने नहीं आता है, ठीक है, ये लीडर को मैं जानता हूं, ठीक है। और इनकी इनकम आप देखें, 14 लोगों की टीम है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, 14 लोगों की टीम है, 4 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन कराया है, और अगर प्रॉफिट की हम बात करें तो $20,000, 18-19 लाख रुपया। कम है क्या, कम है क्या, अगर कम है तो बोलिए।
डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? तो 6/7/22 अभी जुलाई आएगा तब जाके एक साल होगा। मतलब कि अगर आप देखा जाए तो 6-7 महीने में 18-19 लाख रुपया बंदे ने कमा लिया, कम है क्या? और कितने समय में, कितनी की टीम? 14 लोग की टीम। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में या प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में कहते हैं कि मेरे इतने इतने टीम है, मैंने इतना इतना लोग को ज्वाइन कराया। देखिए कितना छोटा सा टीम में कितना बड़ा इनकम इन्होंने कर ले गया। ऐसे बहुत सारे और दिखाता हूं, अभी रुके रहिएगा, जरा देखिएगा, आपको आंख पे विश्वास नहीं होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं। आपके सामने मैं एक और आईडी ओपन करके दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इनकी 30/9/2022। जी हाँ मेरे दोस्त, 30 सितंबर को ज्वाइन किए हैं, अभी मुश्किल से 5 महीना हुआ है, और 5 महीना में 30 लाख रुपए कमाए हैं। 3200 डॉलर है। लेकिन आप इनकी टीम देखिए, कितनी की टीम है? 46 लोगों की टीम है, 7 लोग इनके पार्टनर हैं। अभी भी आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है, एक और मैं आपको दिखाता हूं आईडी 2147। आप लोग खुद भी अपने पास गूगल में ओपन करके देख सकते हैं 2147। डेट ऑफ ज्वाइनिंग की अगर आप बात करें, सोनिया राजपूत मैम, जो लोग कहते हैं कि लेडीज हैं सर, हम हाउस वाइफ हैं, हम तो कॉलेज में, हम तो लड़की हैं, हम तो लेडी हैं, हम तो वर्क नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे लोग को प्लान। ये भी लेडी, और घर में रहते हुए वर्क करते हुए मैम ने कोई 1,000, 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख लोगों की टीम नहीं बनाई, 3,327 लोग की टीम। आम बात है, प्रोडक्ट बेस में आप किन्हीं भी लीडर्स मिलिए तो 2,000 से ऊपर की ही बात करेंगे, मेरी टीम है 33 लोग की टीम। लेकिन इनकम में आप प्रोडक्ट बेस में आप जाइए उनसे पूछने के लिए, तो इनकम उनकी कितनी होती है? तो इनकम होती है 2,000-3,000 के टीम में 1-1.5 लाख, 2 लाख रुपया भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे आप इनकम देखिए इनकी, 84,820 डॉलर, 80 लाख रुपए मैडम ने कमाया। ये है पावर ऑफ वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट। हमारी देश की लेडी भी बहुत आगे इस बिजनेस में जा रही है। तो आप हाउस वाइफ हो, आप टीनेजर हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, ईसाई हो, आप किसी भी रिलीजन के हो, आप इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, दुबई के हो, अमेरिका के हो, फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। चाहिए क्या? जज्बा चाहिए, सिस्टम को समझना मांगता है, वर्क स्टार्ट करना मांगता है। आज से महज 1.5 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो मैं प्लान नहीं जानता था, लिटरली बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। विजय सर ने भी प्लान लेके गए, दोनों आदमी हम लोग प्लान नहीं जान रहे थे, लेकिन ज्वाइन कर लिए। क्या देख के ज्वाइन किए? कि लोग यहाँ से पैसा कमा रहे थे, मेरे दोस्त ने भी यहाँ से 1.5 करोड़ कमा के गया था। तो मैंने बोला कि नहीं, कुछ तो है, पैसा तो आ रहा है, और शुरू किया अपने अपलाइन के गाइडलाइन पे चला, वर्क करते 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 आज ये हाल है कि 80-85 लाख रुपए तक हम लोग भी पहुंच गए, और अभी बहुत कुछ आने वाला है। तो मेरे दोस्त, ये बिजनेस सीखने सिखाने का है, समझने समझाने का है, कुछ करना नहीं है, एक माइंडसेट का बिजनेस है। कुछ लोग कहते हैं सर आप यहाँ पे प्रोडक्ट तो देते नहीं, मेरे दोस्त एक बार समझिएगा, आप 9th तक पढ़ते हो, 10th तक पढ़ते हो, 12th करते हो, ग्रेजुएशन पढ़ते हो, आपको कौन सा प्रोडक्ट देता है? आप 50-50 लाख रुपया पढ़ाई में लगा देते हो, आपको कौन सा प्रोडक्ट वहां देता है? क्या देता है आपको? नॉलेज देता है, आपको इंफॉर्मेशन देता है, दैट्स इट। और वो नॉलेज इंफॉर्मेशन के बदौलत आप जीवन के जो बचे हुए 40-45 साल होते हैं उसको आप लाखों करोड़ों कमाने में, कई BMW ऑडीज मर्सिडीज निकालने में मदद कर देता है। क्या? वही 15-20 साल का एजुकेशन। तो मेरे दोस्त, एजुकेशन क्या है? एक माइंडसेट है, एक सिस्टम को समझने का तरीका है। अगर आप प्रॉपर एजुकेशन लेके एक टीम वर्क की तरह यहाँ पे वर्क करते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पे किसी को प्रोडक्ट बिकवाने के लिए नहीं आए हैं, आप सिंपल आए हो यहाँ पे पावर ऑफ नेटवर्क समझने के लिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन समझने के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस समझने के लिए, क्रिप्टो करेंसी का मैकेनिज्म समझने के लिए, अगर ये सारे चीज फंडामेंटल्स आपके क्लियर होते हैं, जितना आपका एजुकेशन सिस्टम बेहतर होता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर भी आने वाले 1.5-2 साल बाद आप इसी बिजनेस से आपको 5-10 करोड़ रुपए दे के चला जाएगा मेरे दोस्त। तो लीडर्स, यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिए और आप लास्ट तक बने रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आज जाइए अपने अपलाइन को, जो भी आपको लिंक दिए उनको फोन लगाइए, कहिए सर मेरे को बिजनेस समझ में नहीं आया है, क्या करना है, मैंने पूरा प्रेजेंटेशन देखा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं स्टार्ट इसको करना चाहती हूँ, क्योंकि
10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए लगा के कोई आपका किस्मत नहीं ले सकता है, कोई आपका किस्मत नहीं ले सकता है। जो रिस्क लेता है वही ग्रो करता है, बिना रिस्क लिए हुए कोई ग्रो नहीं करता है। लेकिन अगर